मैंने ओवरीफाई के बारे में भी वहाँ पे उनसे पूछा कि इसका क्या सिस्टम रहने वाला है, तो उन्होंने बोला कि यस ओके, इसके 3 स्टेप्स बेसिकली होने वाले हैं, ये आपको डैशबोर्ड में शो करेगा। तो ऐसा करके उन्होंने जैसे प्रोडक्ट के बारे में, जैसे प्रोडक्ट हमारे शो करते हैं, लाइक आप ये मान लें कि ओ ट्रिम है, ओ नेट है, उसी तरह से हमारा ओ वेरीफाई भी वहाँ पे शो करने वाला है। तो उन्होंने ये बताया कि उसी तरह से आपको शो करेगा। और आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि ओ वेरीफाई करने का बेनिफिट क्या है, तो वो भी आपको ये जवाब देंगे। और ज़्यादा देर वो बात नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम एक्चुअल में वो आपकी सुनते हैं, एंड देन फिर उसके बाद में वो चैट को क्लोज कर देते हैं। तो फिर मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कस किया, और एक्चुअल में मैं लाइव चैट में बात करता हूँ, आप सब लोग अगर करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम हो तब करें, ऐसा नहीं है कि न्यू ओएस कब आ रहा है, विड्रॉल कब आएगा, वो उसका जवाब नहीं देंगे। वो यही बोलेंगे कि हमें हमें इसके बारे में नहीं पता है, बैकएंड पे काम हो रहा है, बस हमें इतना ही पता है, इतना ही बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सब पूछने का बनता ही नहीं है, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, वो आप वो चैट से ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे अगर चैट बोट से बात करोगे तो वो एक ऑटोमेटिक जनरेटेड रिप्लाई जो है वो आपको दे देता है कि भाई ये आपने ओएस लिखा तो ओएस रिलेटेड वो बात करेगा आपसे। लाइव एजेंट से बात करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर एक बंदा मिलता है जो आपसे चैट करता है, एंड देन वो आपका रिप्लाई देता है। तो यहाँ पे ये देखने को मिला, और मैंने आज एक वीडियो भी बनाया था इसको लेकर के, कि ओ वेरीफाई जो है ना अभी वो चैट में दिख रहा है, और मुझे नहीं पता था कि ये कई दिनों से दिख रहा है, 3 4 5 दिनों से दिख रहा है या फिर ज़्यादा दिनों से दिख रहा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमें जैसे जब वो ट्रैकर लाइव नहीं हुआ था, जब वो ट्रैकर पब्लिकली लाइव नहीं था, तो सबसे पहले हमें वो ट्रैकर वो चैट में ही दिखा था। और वो चैट और जो फैक्स का जो ऑप्शन होता है, जब हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो उसके नीचे एक एरो बना होता है, तो वहाँ पे भी आप इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हो कि इसका सिस्टम क्या है, पर्पज़ क्या है, एंड हमें ये करना चाहिए क्यों, यूज़ करने का क्या बेनिफिट है, वेरिफिकेशन करने का क्या बेनिफिट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे हम पूछ सकते हैं उनसे। और अभी हम अगर बात करें रिसेंट की कुछ चीज़ों की लेकर के, जहाँ पे आपके पास में भी सवाल आए होंगे, हमारे पास भी सवाल आए होंगे कि अभी सिस्टम कब तक स्टार्ट होगा, विड्रॉल कब मिलेंगे। अभी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप पिछले 10 दिनों से मार्टी और क्रिस का लाइव देख रहे हैं, तो उन्होंने यही बात बोली है कि बोनसेस और कमीशन हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं, बोनसेस और कमीशन हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं। कमीशन इन द सेंस कि जो लोग जीरो फाउंडिंग मेंबर हैं, सिंगल फाउंडिंग मेंबर हैं, जिन्होंने सिर्फ पैकेज बाय किया है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लोग नहीं है नीचे, तो उनको कमीशन मिलने वाला है, तो बोनसेस भी मिलने वाले हैं। तो बोनस और कमीशन मिलने वाला है, ये मिस्टर मार्टी आज से लगभग 10 दिन पहले से ही अपनी लाइव में बोलते हुए आ रहे हैं। और कल की जो बात की जाए तो कल का जो लाइव था, मिस्टर मार्टी, क्रिस एंड माइक एलिस भी थे, तो वहाँ पे उन्होंने एक चार्ट को भी उन्होंने जो बनाया था वहाँ पे शेयरिंग किया कि ऑन पेसू किस तरीके से आज ऊपर जा रही है, एंड देन हम फाउंडिंग मेंबर्स आने वाले कुछ समय के बाद में, फ्यू मंथ के बाद में हम कहाँ पे होने वाले हैं। तो उन्होंने भी ये चीज़ें शेयर की। और जब मैं शुरुआत में ज्वाइन हुआ था तो इस ऑन पेस्यू यूट्यूब में शायद मैंने फर्स्ट वीडियो माइक एलिस का देखा था, क्योंकि कोई भी इंडिया से वीडियो नहीं बनाता था। एक बंदे थे, वो अभी वीडियो शायद बनाते या नहीं बनाते मुझे नहीं पता है, वो बिहार से थे, ब्रिजेश करके उनका नाम था, वही एक वीडियो बनाते थे इंडियन, एंड देन फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था उस टाइम पे। ये 2020 की बात है, ये मैं जुलाई की बात कर रहा हूँ, और जुलाई में अमूमन आज जितने भी आप यूट्यूबर देख रहे हो, तो इनकी सबकी ज्वाइनिंग जो है ना, चाहे जो यूट्यूबर आप देखते हो जो आपको रियल अपडेट देते हैं, तो वहाँ से एक बूम चालू हुआ था कि यूट्यूब पे ऑन पेस्यू एक अलग लेवल पे आ गया था। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में माइक एलिस उस टाइम पे भी बहुत अच्छे से लीड करते थे, वहाँ पे भी उन्होंने एक आंकड़े पेश किए थे कि ऑन पेस्यू किस तरीके से आगे बढ़ने वाला, यहाँ पे एक टाइम ऐसा होगा जहाँ पे हर 1 मिनट फाउंडिंग मेंबर होगा। ये फर्स्ट लाइन माइक एलिस की थी उस टाइम पे, जब 2020 में एक दिन के अंदर 100 150 ज्वाइनिंग होती थी ऑन पेस्यू के अंदर, 100 150 लोग बढ़ते थे ऑन पेस्यू के अंदर। तो यहाँ पे माइक एलिस ने एक बार बोला था कि एक वक्त ऑन पेस्यू में ऐसा आएगा कि यहाँ पे आपको हर 1 मिनट में एक फाउंडर ज्वाइन होगा, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि जहाँ पे हर 1 सेकेंड ऑन पेस्यू में लोग एंटर करेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे लोग ऑटोमेटिक
यहाँ पे आएंगे कोई भी चीज़। जब देखो एक क्या होता है, वो जब बात बोलते हैं तो एक्चुअल में सुननी चाहिए, क्योंकि वो आज से ऑन पेसिव में नहीं है। और माइक एलिस का एक चैनल भी है, जाकर के आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं किसी भी चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि भाई एज अ गुड लीडर अगर आप वहाँ उनको फॉलो करते हो, आप बेहतरीन लीडर हो अगर आप उनको फॉलो करते हो, तो यकीन आपकी नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। और जब भी सिस्टम इस तरीके से काम करता है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि एक मोटिवेशन भी काम करता है। तो वहाँ पे वो मोटिवेशन का भी पार्ट आपको माइक एलिस के वीडियोस में देखने को मिलेगा। हालांकि वो बहुत कम वीडियो बनाते हैं, अमूमन अगर देखा जाए तो महीने में एक वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनका वीडियो देखने लायक होता है काफ़ी ज़्यादा। हम लोगों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, नॉलेजफुल होता है। तो इसीलिए जितने भी सारे लोग हैं, और यहाँ पे बोनसेस और कमीशन को लेकर के आप सभी लोग रेडी हो जाइए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बैकएंड पे हो रही हैं। और मिस्टर सीओएस सर ने जब ये वाले 360 वेबिनार में आए थे, 4 तारीख के वेबिनार में, मे बी शायद 4-5 तारीख के, तो वहाँ पे मिस्टर ऐश मुफारे सर ने जो बातें बोली है कि उनका जो ऑपरेशन है, जो सर्जरी है, वो होगी एंड देन वो रेस्ट करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि वो काम बैकएंड पे नहीं होगा, ऑन पेसिव में काम 24/7 हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। एंड देन मिस्टर एस, ऐसा नहीं है कि आप कोई काम आप कर रहे हो, वो आपके हाथ पैर का काम है, तो आप जब बाहर निकलोगे तभी आपकी इनकम आएगी। मिस्टर एस एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दी है कि जहाँ पे वो घर में बैठ करके पूरा सेटअप को तैयार करके वो काम कर रहे हैं। तो मिस्टर एस आज अगर वो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। विद इन टू वीक्स यहाँ पे, यानी कि 15 दिनों की अगर बात की जाए, तो 15 दिनों के अंदर हमारे सामने बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली है। गुड न्यूज़ इन द सेंस कि शायद आज अगर देखा जाए तो आज 8 तारीख है, 8 जून है, और तकरीबन 8 जून से लेकर के अगर 15 दिन इसमें ऐड कर दिए जाए, तो यहाँ पे हमें 20 तारीख तक की हमें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बड़ी गुड न्यूज़ का मतलब यह है कि मे बी शायद सिस्टम स्टार्ट हो जाए दोबारा से, क्योंकि मिस्टर एस ये नहीं चाहेंगे, कोई भी ऑन पेसियंस ये नहीं चाहता है कि सिस्टम स्टार्ट ना हो। क्योंकि पिछले 7-8-9 महीने से जो सिस्टम अभी रुका हुआ है, स्थगित है, कहीं ना कहीं ऑन पेस्यू की जो कमाई है उस पर भी रोकथाम लगी है, फाउंडिंग मेंबर की जो कमाई है उस पर भी रोकथाम लगी है। तो यहाँ पे अभी जो आने वाले 15 दिन हमारे होने वाले हैं, वो यकीनन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि मे भी एक बार हो सकता है कि एक बार और एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन इसके बाद चांसेस नहीं दिखते हैं कि कोई एक्सटेंशन हो। तो जून का जो मंथ, एक जो शुरुआत में जून के मंथ में या एंड ऑफ मई में जो वीडियो बनाया था गुरसिमंदर ढिल्लन सर ने, कि मैंने कभी नहीं बोला है, आपको याद होगा या नहीं याद होगा, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैंने कभी नहीं बोला है किसी भी डेट को लेकर के, लेकिन मैं आज श्योर हूँ, ये मई का वीडियो है, आप जाकर के गुरसिमंदर ढिल्लन सर का देखना, कि मैं श्योर हूँ कि जून मंथ में ऑन पेस्यू में हमें बहुत बड़ी शुरुआत मिलने वाली है, ऑन पेस्यू सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। तो गुरसिमंदर ढिल्लन सर कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे, गुरसिमंदर ढिल्लन सर नो डाउट कि पूरी इंडिया को लीड कर रहे हैं, पूरी दुनिया उनको सुनती है, तो वो मे के एंड में जाकर के वो ये बात नहीं बोलेंगे कि भाई मैं ये श्योर हूँ मेरे हिसाब से ये सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। फिर हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो गए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को भी अच्छी लगती हैं जब हम एक लीडर को सुनते हैं। तो यहाँ पे हमें आज ऐसा लग रहा है कि अभी हम बैकएंड पे जा रहे हैं, बहुत पीछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कहावत है, आपने सुनी होगी, कि जब शेर एक कदम पीछे लेता है तो उसका मतलब ये है कि वो छलांग मारने वाला है। ये सुनामी आने से पहले की शांति है, ये तूफान आने से पहले की शांति है कि माहौल शांत है। इमेजिन करो और सोचे जरा आप कि 1 सितंबर से पहले, 2-4 दिन पहले, क्या हमें पता था कि ऑन पेसिव लाइव होने वाला है, सिस्टम लाइव होने वाला है, या 1 सितंबर या 2 सितंबर से हम पैकेज को बाई करेंगे? नहीं पता था।
और मिस्टर एस अभी भी बोल चुके हैं कि यहाँ पे हम अब कोई काम करेंगे तो उसको हम पहले बताएंगे नहीं, डायरेक्टली हम उसको सामने रख देंगे। तो पिछले 10 दिनों से जो मिस्टर एस से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बताएं, एक्चुअल में वो बता नहीं रहे हैं, बल्कि वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने बोला है कि हम पूरा अपना 100% चार्ज ले चुके हैं, हम कंट्रोल पूरा कर चुके हैं, और अभी वो अभी पूरी तरह से कुछ दिनों के अंदर हमारे बीच में आएंगे, तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें हमारे बीच में होने वाली हैं। तो इसीलिए सारे के सारे जितने भी फाउंडिंग मेंबर्स हैं और पेसिवियंस हैं, अपनी निगाहें अपने बैक ऑफिस में बना के रखिए, कभी भी एनी टाइम कुछ ना कुछ अपडेट आ सकती है। और यकीनन आज मंडे से लेकर के संडे के बीच में वहां पे आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलेगी। और ये पिछले लाइव में क्रिस जॉनसन सर ने बोला भी है, पिछला जो लाइव था मे बी उन्होंने वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को किया था, तो उसमें उन्होंने बोला भी था कि नेक्स्ट वीक आपको कोई ना कोई गुड न्यूज देखने को मिलेगी। तो इसीलिए जितने भी सारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जितने भी सारे ऑन पेसिवियंस वो अपनी ये क्या हो रहा है भाई, मीटिंग का कंट्रोल नहीं है। हेलो, नहीं नहीं कंट्रोल है, लेकिन जबरदस्ती ये लोग जो है ऑन कर दे। ओके 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 ओके, सो यहाँ पे अभी बहुत चित्रा जी आपसे आपको म्यूट कर ले, चित्रा जी तो यहाँ पे अभी जो चीजें हमारे सामने आने वाली हैं उसके लिए हमें रेडी रहना है, प्रिपेयर रहना है। और अमूमन तौर पे अगर देखा जाए यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। बैकएंड पे पिछले 8-9 महीने से हमने जिस ओईएस पे काम किया है, हमने ओ वेरीफाई में सुधार किया है, हमने ओ कनेक्ट में सुधार किया है, तो यकीनन हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम बैकएंड पे जा रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं। गाने बंद कर दिया जाए सर जी, गाने को बंद कर दिया जाए, गाना हेलो एनी हाउ एक चीज को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा एक्टिविस्ट स्टार इंडिया मंच को, कि जो स्पीकर लिंक है वो आप मत शेयर किया करें, डायरेक्टली आप गेस्ट लिंक को शेयर किया करें। मे बी वो उसमें म्यूट और अनम्यूट का ऑप्शन नहीं होता है, आप जिसको चाहे फिर उसको स्पीकर लिंक में ले सकते हैं। लोगों का तो क्या है, लोग बोलना चाहते हैं, लोग अगर यहाँ पे कोई लोग ट्रेवल कर रहा है, कोई सड़क पे है, तो वो चेक करता है कि मेरा माइक म्यूट अनम्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, तो उस बहाने ही थोड़ा सा नॉइज आ जाता है। तो एनी हाउ तो उनको बोला भी जा रहा है कि काइंडली आप अपने माइक को अनम्यूट कर दें, लेकिन म्यूट कर रहे हैं तो जैसे मार्केट में है, ट्रैफिक है, सबसे थोड़ा डिस्टर्ब कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल भी हमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे हमें अपने लीडर से टच रहने की आवश्यकता है, और यकीनन जो आने वाले 15 डेज हैं वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं लाइफ चेंजिंग साबित होने वाले हैं। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि कुछ चंद अपडेट मैं आपके सामने शेयर करूंगा, और मेरा थोड़ा इस टाइम पे बिजी शेड्यूल है, और यकीनन आज सैटरडे है और यहाँ पे मेरा वेबिनार रहता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 15-20 मिनट जो भी बोला हूँ, अगर मैंने इससे कोई भी गलती हुई है यहाँ पे तो मुझे माफ़ करना। लेकिन बने रहो ऑन पेस्यू के साथ में, और फॉलो कीजिए ऑन पेस्यू को, ऑन पेस्यू के बैक ऑफिस को फॉलो कीजिए, मिस्टर एस की एक्टिविटी पे ध्यान रखिए, लीडर्स की, मार्टी सर खासकर, गुरशमिंदर ढिल्लन सर, क्रिस सर, रेड सर, जूली, माइकल सर, इन सब की एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए। एंड देन जो हमारा नेक्स्ट 360 वेबिनार होगा,
डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देंगे मिस्टर एस। अगर मिस्टर एस नहीं आते क्योंकि वो आएंगे नहीं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जरूर जरूर से ये हम लोग उम्मीदें लगा के बैठे हैं कि कोई ना कोई मैसेज वो जरूर देंगे। तो माय फ्रेंड यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा और मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे इस मंच पे एक्टिव स्टार इंडिया के मंच पे एक बड़े ही तगड़े स्पीकर हैं जिनका नाम जमशेद आलम जी है, वो मंच को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। सो मनोरमा जी हैं बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं और हेमा जी हैं बहुत, मतलब यहाँ पे मंच पे बहुत सारे स्पीकर हैं जो मंच को संभाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी ये अब कोई अपडेट्स नहीं है, ये मैं खुद का ओपिनियन है जिस तरीके से मैं ऑन पेशू को स्टडी किया हूँ आज तक देखा हूँ, तो यहाँ पे इस हिसाब से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सो आई होप कि आप लोग समझे होंगे एंड देन फिर इसको बहुत ज़्यादा वायरल मत करना कि 15 डेज़ के अंदर लाइव होने वाला सिस्टम, ऐसा नहीं है। कई बार चीज़ें होती हैं कि बोलने के बाद भी वो नहीं होता है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि हम एक आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी आईटी है, हम एआई टेक्नोलॉजी एक नई चीज़ों को बना रहे हैं, नए चीज़ों का गठन कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी हमें थोड़ा सा ये फोकस करना होगा। तो मैं इस मंच को अपने धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच जमशेद जी, थैंक यू सो मच हेमा जी, थैंक यू सो मच मनोरमा जी, एक्टिव स्टार इंडिया के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी ऑर्गेनाइज़र, स्पीकर, जितने भी होस्ट, को होस्ट एंड पैनलिस्ट, जो भी आप मान लें, जो भी हैं, उन सबका धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।